बहुत बार ऐसा होता है किसी गलतफहमी या तुम्हारी किसी गलती की वजह से औरत तुमसे नाराज हो जाती है, या तुम्हें गलत समझने लगती है, या तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन गलत पड़ चुका होता है, तुम्हारा इमेज औरत के सामने खराब हो चुका होता है और औरत तुम्हें गलत मानने लगती है। ऐसे सिचुएशन में तुम औरत को समझाने की कोशिश करते हो, तुम उसे बताते रहते हो कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम हजारों बार सॉरी बोल चुके होते हो, तुम किसी के हाथ मैसेज भेजते हो कि मेरी इमेज उसके सामने अच्छा करो, मैंने कोई गलती नहीं किया, उसको समझाओ, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। जितनी बार तुम्हारी बात औरत के सामने होती है, तुम्हारी इमेज बिगड़ती चली जाती है और औरत तुमसे दूर होने लगती है। देखो, ऐसी सिचुएशन में बातों से कुछ नहीं होता, बोलने से समझाने से कुछ नहीं होता, ऐसे सिचुएशन में एक्टिविटी करनी होती है, तुम्हें कुछ करके दिखाना होता है। तो अगर तुम अपनी बिगड़ी हुई इमेज सुधारना चाहते हो, रूठे हुए को मनाना चाहते हो, तो ये तीन तरीका इस्तेमाल करो। तो अगर तुम ये जानना चाहते हो कि वो कौन सा तरीका है, तो वीडियो को पूरा देखो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सिलसिला प्यार के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना। सबसे पहला तरीका है, औरत को जो जगह पसंद है उसे वही जगह लेके जाओ। अगर तुम उसे नहीं ले जा सकते हो तो उसे उसी जगह नजर आओ जहाँ वो जाना चाहती है या जहाँ वो गई हो। औरत की पसंद की जगह से मतलब है पार्क, गार्डन, सिनेमा हॉल, जिस जगह पे उसका मिजाज खुशनुमा हो जाता है। बहुत सारी लड़कियों का फेवरेट प्लेस रेस्टोरेंट या पानीपुरी कॉर्नर होता है, तुम उसके सामने वहाँ नजर आ सकते हो। अगर आपकी पत्नी आपसे नाराज है तो उसे उसी जगह ले जाओ जहाँ वो जाना चाहती है और उसे जो पसंद है उसे वो चीज खिलाओ। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड को पिज्जा और आइसक्रीम बहुत पसंद है, मैं उसे पार्क में आइसक्रीम खिलाता हूँ, वो बहुत खुश हो जाती है। अगर मुलाकात ज्यादा गहरा ना हुआ हो, लड़की के साथ आपकी ज्यादा बातचीत ना हुआ हो, तो सिर्फ लड़की को खुशनुमा जगह पे दिखना ही काफी है। हो सके तो उससे बात करो या कंफर्टेबल हो तो कुछ खिलाकर आ सकते हो। एक बात ध्यान रखना, यहाँ कोई सफाई नहीं देनी है, माहौल को खुशनुमा ही रहने देना है, दूसरा कोई अच्छे टॉपिक पर बात करनी है। दूसरा तरीका है औरत के काम में उसकी हेल्प करना। देखो, अगर तुम कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हो तो तुम लड़की को किसी सब्जेक्ट में हेल्प कर सकते हो, या किसी भी तरह का हेल्प अगर तुम कर पाओ तो करो, या उसके किसी काम में उसका हाथ बटाओ। अगर आपकी पत्नी आपसे नाराज है तो खाना बनाने में आप उसकी हेल्प कर सकते हो, या फिर उसके लिए अपने हाथों से कुछ बनाकर उसे खिलाओ। यहाँ टेस्ट मैटर नहीं करता, बस आपका उसके लिए कुछ करना ही काफी है, वो बहुत खुश होगी। तीसरा तरीका है वक्त देना। हम वक्त उसी को देते हैं जिसे हम प्यार करते हैं। हम दिन भर सारे काम जल्दी जल्दी निपटा कर वक्त बचाते हैं कि उस वक्त को अपनों के साथ बिताया जा सके। तो अगर तुम उसके लिए वक्त बचाते हो जो आपसे नाराज है, तो वो बड़ी जल्दी आपसे खुश हो जाएगी, क्योंकि वक्त देना आजादी और प्यार है। गौर करो तो तुम समझ जाओगे कि औरत ज्यादातर इसी बात पर नाराज होती है कि उसे कहीं घुमाने नहीं ले जाते, उसके काम में हाथ नहीं बटाते या उसको टाइम नहीं देते। जरूरी नहीं कि इन तरीकों का इस्तेमाल सिर्फ औरत के नाराज होने पर ही किया जाए, आपको बीच बीच में ये सब कुछ करते रहना चाहिए। देखना आपका रिलेशन कितना मधुर बनता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। लड़की पटाने के साइकोलॉजिकल लेक्चर चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और प्राइवेट वीडियो देखो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।